आप लोगों ने अपनी नवरात्रि और दशहरा एंजॉय करी। चलिए आज हम वापस थोड़ी सी स्टडीज करेंगे और आज हम करेंगे इंग्लिश में कैपिटल लेटर एल। तो हमें देखना है कि कैपिटल लेटर एल हमें कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम एल रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स देख लेते हैं। एल फॉर लीफ, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लायन, एल फॉर लॉक। लॉक माने ताला। हाँ, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं एल से। और इसको लिखना कैसा है वो देखिए। अब ये कैपिटल लेटर एल है, हाँ, तो हमें इसको पहली रेड लाइन, जो लाल कलर की लाइन है नोटबुक में, उसके बाद जो ब्लू लाइन, ओके, और फिर जो ब्लू लाइन, यानी पहली तीन लाइन में हम लिखेंगे एल। तो कैसे लिखेंगे आप देखो, मैंने यहाँ पे एरो दिया है, यानी पहले हम नीचे की तरफ आएंगे और फिर ऐसे। तो सबसे पहले हमें ऊपर की लाल लाइन से शुरू करना है और नीचे की तीन लाइन, यानी एक दो तीन, यहां तक हमें एक स्टैंडिंग लाइन, ऊबी रेखा बनानी है, ओके, स्टैंडिंग लाइन। और फिर ये जहां पे खत्म हुआ है वहां से राइट की तरफ हमें एक और स्लीपिंग लाइन बनानी है। तो ये बन गया एल। वापस देखिए, स्टैंडिंग लाइन, खड़ी रेखा और स्लीपिंग लाइन, ठीक है। वापस देखो, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बहुत इजी है। 1 2 3 तीन लाइन में आता है और ऊपर से स्टार्ट करना है, लाल लाइन, ब्लू लाइन, ब्लू लाइन, ओके, रेड लाइन, ब्लू लाइन, ब्लू लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये बन गया एल। एल फॉर लैम्प, एल फॉर लीफ। तो आपको क्या करना है बच्चों, एल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसके जो वोकैबुलरी वर्ड हैं, यानी एल से कौन कौन सी चीजें शुरू होती हैं, वो भी आपको याद करना है। ओके, बाय।